जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ है, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को, तो अपने को नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए, चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा, आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। श्रवणेंद्री का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, देखो वो साधक है, उसको हमने देखा, वहां ऐसे देख रहा था, वैसे कर रहा था, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात कर रहे, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। सावधान, वो भगवत भाव से की हुई सेवा तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा करेगी, काम भावना नहीं पैदा करेगी। हमारी माँ बीमार हो और हमें उसे पता चला कि शौच कर दिया है, हमें शौचाना पड़े, हमें उसका मल धोना पड़े, तो क्या हमें काम जागृत हो जाएगा क्या? मेरी माँ है, हमारी बुद्धि कभी ऐसी नहीं होगी। आपका पिता है, आप लड़की हो, कोई दूसरा रह नहीं गया और वो बीमार है, आपको ऐसी क्या काम जागृत हो जाएगा क्या? अगर ऐसी सेवा में काम जागृत होता तो कोई नर्स ही अस्पताल में नहीं होती, हर सेवा उसको करनी होती है। नर्स को चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, परस्पर विरोधी शरीरों की सेवा पर कहीं काम थोड़ी जागृत होता, क्योंकि उसको अपने सेवा धर्म से मतलब है। तो ये सेवा के समय इस सूत्र को न देखा जाए, पर ध्यान रखें अत्यंत आवश्यक, जहां आपके सिवा नहीं हो सकता वहां, अगर हमें ऐसा अवसर मिलता है कि सेवा उसे हो सकती है तो हम पहले उसे प्रेरित करेंगे, और अगर ऐसा है कि अब कोई नहीं है, फिर हमारा परम धर्म जागृत हो जाता है परहित का। अगर हमारा कोई निंदा भी करे, कोई शरीर की भी हानि हो जाए, अब हम परवाह नहीं करते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर ध्यान रखें यदि कहीं मन को समझाना चाहिए, देखो अपने लोग उपासक हैं,